नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डीएम ने गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। कोविड 19 के गाइडलाइंस का पालन करने के दिए निर्देश। विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी के कार्यों से परेशान शिक्षक और कर्मी हुए एकजुट, इस्तीफा देने की मांग। मंत्री के दौरे को लेकर भागलपुर में तैयारी हुई तेज। सन ऑफ मल्ला के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। नौगछिया उच्च विद्यालय में पूर्ववर्ती छात्र ने किया शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। समाज में शिक्षकों के योगदान पर हुई चर्चा। और चंदन कुमार मेमोरियल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में नवीन क्रिकेट क्लब ने ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर समीक्षा भवन में आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने आयोजन के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार, अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, सदर एसडीओ आशीष नारायण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने गणतंत्र दिवस आयोजन पर कोविड 19 संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में डीएम ने सभी पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। जानकारी दी गई कि गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का भी आयोजन कराया जाएगा। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिक्षक कर्मी और पेंशनधारियों का आक्रोश कभी भी फूट सकता है। पेंशन और अन्य संचिकाओं को बिना कारण रोके जाने को लेकर पूर्व सीनेट सदस्य बलराम सिंह, भूस्टा अध्यक्ष डॉ डी एन राय और टीएमबीयू वित्त पदाधिकारी शंकर शरण अम्बस्ट के बीच नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि वित्त पदाधिकारी से कहासुनी होने के बाद कुछ देर के लिए उन्हें उनके कार्यालय में ही बंधक बना लिया गया था। हालांकि वित्त पदाधिकारी को बंधक बनाए जाने की बात से भूस्टा अध्यक्ष डॉ डी एन राय ने इनकार कर दिया। इधर विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी शंकर शरण ने बताया कि नियम के अनुसार फाइल का निष्पादन तेजी से किया जा रहा है। साथ ही कहा कि कुछ लोग दबाव डालकर उनसे काम करवाना चाहते हैं, लेकिन वह दबाव में किसी भी फाइल को बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ाएंगे। वहीं पूर्व सीनेट सदस्य बलराम सिंह ने कहा कि एफओ अगर 3 दिन के भीतर सभी डंप फाइलों का निष्पादन नहीं करेंगे तो वह लोग आंदोलन शुरू कर देंगे। अरे कर्मचारी सब टीचर दोनों का फाइल 6 महीना से रखे हुए हैं और कर नहीं रहे हैं। पेंशनधारी कहीं एक्सीडेंट हो गया है, किसी को बहुत तरह का स्थिति है खराब, लेकिन ये अभी तक एक भी फाइल को निष्पादन नहीं कर पा रहे। इसी पर उनसे अनुरोध करने गए, उस पर वो भड़क गए। भड़क जाने पर हम भी इतना सुविधा विश्वविद्यालय का गाड़ी भी लेते हैं, उनका मकान भी है, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय भी रहता है, सब उनका सेवा मिलता है, फिर लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा। आज कहें तो अगर 3 दिन के अंदर में निष्पादन कोई आदमी आपके पास नहीं जाएगा, फाइल को निष्पादन कीजिए और नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के भागलपुर दौरे को लेकर आज सबौर में विकासशील इंसान पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनय सिंह निषाद ने की। वहीं पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ने बिहार सरकार में मंत्री बने सन ऑफ मल्हा मुकेश सहनी के स्वागत को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। बता दें कि सुधा डेयरी में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने को लेकर मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी के दौरे को लेकर पार्टी के साथ निषाद समाज के लोगों में काफी हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि 13 जनवरी को मंत्री मुकेश सहनी सरकारी कार्यक्रम से भागलपुर के सुधा डेयरी पहुंचेंगे, जहां पार्टी के मुखिया सह मंत्री का पार्टी की ओर से स्वागत किया जाएगा। बैठक में निषाद विकास संघ के जिलाध्यक्ष कामदेव प्रसाद सिंह, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष रेणु सिंह समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हम लोग को गौरव है कि हमारे निषाद समाज से जो उद्देश्य लेके चले उसका बहुत कुछ उनको प्राप्ति हो गया है। आज तक बहुत मंत्री बने हमारे जाति में, लेकिन मत्स्य विभाग का नहीं बने, जबकि हम लोग मछुआ समाज से जुड़े हुए हैं और हम लोग को आशा है कि अब मछुआ समाज का बहुत बड़ा विकास होगा। नौगछिया के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय परिसर में सोमवार को पूर्ववर्ती छात्रों की ओर से रीयूनियन सह शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह में 1987 में विश्वविद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र अनिल कुमार वर्मा, अनिल कुमार शर्मा और हिमांशु समेत 40 छात्रों ने मिलकर तत्कालीन शिक्षकों के साथ वर्तमान में सेवारत शिक्षकों को बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि जिस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर सभी छात्रों ने एक मुकाम हासिल किया, उस विद्यालय और शिक्षकों का सम्मान कर अच्छी अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुरानी यादों को ताज़ा करने के साथ गुरु का सम्मान करना और आगे की पीढ़ी में शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव जगाना है। वहीं कार्यक्रम को कई शिक्षकों ने संबोधित करते हुए अपना मार्गदर्शन दिया और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर सज्जन गुप्ता, संजय अभ्यानंद समेत शिक्षक और पूर्ववर्ती छात्र मौजूद रहे। भागलपुर साइंस कंपाउंड स्टेडियम में जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित चंदन कुमार उर्फ डुगडुग मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच भागलपुर क्रिकेट क्लब और नवीन क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जहां टॉस जीतकर नवीन क्रिकेट क्लब ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जबकि पहले बल्लेबाजी करने उतरी भागलपुर क्रिकेट क्लब की टीम निर्धारित ओवर में 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भागलपुर क्रिकेट क्लब की ओर से बल्लेबाजी में आनंद कुमार ने 29 रन और अमरजीत ने 27 रन की पारी खेली, जबकि नवीन क्रिकेट क्लब के गेंदबाज आयुष और बिहारी ने 2-2 विकेट लिया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी नवीन क्रिकेट क्लब की टीम ने 17वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। इससे पूर्व नवीन क्रिकेट क्लब की ओर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बादल ने 51 रनों की पारी खेली। मुख्यालय DSP हरीश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया। मैच की अंपायरिंग अभय कुमार और मनोज गुप्ता ने की, जबकि स्कोरर अंकित और कमेंटेटर की भूमिका में सादिक हसन थे। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार नवीन क्रिकेट क्लब के बादल कुमार और मैन ऑफ द सीरीज भागलपुर क्रिकेट क्लब के सचिन कुमार को दिया गया। अपराध नियंत्रण के लिए जहां वरीय पुलिस अधीक्षक ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, वहीं आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। मामला बरारी थाना के बड़ी खंजरपुर से सामने आया है, जहां बीते शुक्रवार स्वर्गीय जमशेद आलम के पुत्र मिन्नतुल्ला आलम के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार मिन्नतुल्ला आलम का बड़ी खंजरपुर में 2 घर है, जिसमें एक घर अक्सर खाली रहता था। इसी का फायदा उठा चोरों ने उस घर का ताला तोड़ 48,000 कैश, सोने के जेवर समेत कई अन्य सामान की चोरी कर फरार हो गए। अगले दिन मिन्नतुल्ला आलम की बेटियों के घर पर आने से उन्हें घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने बरारी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई। मैं 8 बजे रात में, 7 तारीख 7 जनवरी को 8 बजे रात में यहाँ पे ताला लगा कर गई थी। जब मैं नेक्स्ट डे 12 बजे 8 जनवरी को आई, तो देखी यहाँ पे जो मेन गेट था ताला टूटा हुआ था। मैं बहुत मतलब आई वॉज शॉक्ड। जब मैं ऊपर आई तो देखी कि यहाँ पे सब कुछ सारे रूम्स में मैं ताला लगा कर गई थी, सारे रूम का ताला टूटा हुआ था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा,
भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केमिस्ट्री के शिक्षक सीबी सिंह के आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शिक्षक को न्याय दिलाने के लिए इस मामले में कूद पड़ी है। वहीं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव राजेश कुमार ने आज भागलपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में कोचिंग के सचिव कृष्णा चैतन्य ने कहा कि HDFC बैंक द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। बैंक ने लिखित दिया था कि लोन की रकम 2021 तक नहीं मांगी जाएगी। इसके बावजूद बैंक के कर्मचारियों ने उनके घर पहुंचकर वहां मौजूद छात्रों के सामने उन्हें अपमानित किया और रुपए लौटाने के लिए दबाव बनाने लगे। इधर कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और मृतक की बहन ने कहा कि HDFC बैंक उनके छोटे छोटे बच्चों के देखभाल और PG की पढ़ाई तक का खर्च के लिए 1 करोड़ की राशि मुआवजा दे। इसके लिए संस्था के बैंक अधिकारियों को 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। लिया था HDFC बैंक से, जब तक उसकी कमाई अच्छी थी वो दे ही रहा था। कोरोना काल में लॉकडाउन हो जाने के कारण पैसे आने बंद हो गए, तो वो 1-2 मंथ नहीं दे पाया। कोरोना काल में भी वो दिया है, 1-2 मंथ नहीं दे पाया। उसे बार बार फोन किया, फोन करने के बाद वो लोग प्राइवेट बैंक जो हैं एक दलाल रखते हैं असूली करने के लिए, और उसे लगता है कमीशन मिलता होगा। वो आकर अटपटा भी बोलता है। वो भैया को कोई स्टूडेंट बोला था सर हमें कुछ प्रॉब्लम है, आकर हम आपसे सॉल्यूशन कर लें, तो भैया बोला ठीक है कोरोना काल में हम बैच तो नहीं चलाते हैं लेकिन आकर तुम लोग 2-4 बच्चे पूछ भी सकते। वो 2-4 बच्चे के बीच बैठा था और उसका दलाल आकर बच्चे के बीच भैया को गाली गलौज किया। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर स्थित यक्षमा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र में प्रखंड पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रेनिंग के दौरान जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर दीनानाथ और मास्टर ट्रेनर आशुतोष कुमार ने जिले के सभी प्रखंड पर्यवेक्षकों को स्लम एरिया के साथ रैन बसेरा, जेल, मुशहटोला समेत तमाम झुग्गी बस्तियों में TB रोगी खोज करने की जानकारी दी। बता दें कि भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश को TB मुक्त करना है और इसको लेकर सरकार के निर्देश पर TB रोगी की पहचान और उसके इलाज के लिए कई स्तर पर कार्य किया जा रहा है। TB विभाग के मास्टर ट्रेनर आशुतोष कुमार ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान जिले के सभी प्रखंडों में 1 माह तक यक्षमा रोगी खोज अभियान चलाकर TB रोगियों की पहचान की जा रही है, जिससे मरीजों को जहाँ रोग से मुक्ति मिल सकेगी वहीं देश को TB मुक्त बनाने का लक्ष्य भी पूरा होगा। ये हम लोग 1 साल का रिव्यू कर रहे हैं कि 1 साल में आपके द्वारा क्या कार्य किया गया, और उसके बाद अभी हम लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया 2025 में TB को खत्म कर देना है, तो घर घर जाके सघन खोज अभियान चलाया जाना है। स्लम एरिया, जेल, रैन बसेरा, इस सब में जाके हम लोग घर घर पेशेंट को खोजेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का फॉर्म लेने के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ रही है। विश्वविद्यालय के मे आई हेल्प यू सेंटर पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स फॉर्म लेने के लिए पहुंचते हैं और COVID-19 के गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। इधर समारोह में अधिक से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 46वें दीक्षांत समारोह को लेकर आवेदन करने की तिथि बढ़ाकर 13 जनवरी कर दी है। बता दें कि पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 जनवरी थी। वहीं यूनिवर्सिटी PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने जानकारी दी कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए दीक्षांत समारोह के परिधान शुल्क में संशोधन किया गया। पहले परिधान मद में छात्रों से 800 रुपए लिए जा रहे थे, लेकिन अब उसे घटाकर 200 रुपए कर दिए गए हैं। PRO ने बताया कि जिन छात्र छात्राओं ने परिधान मद में 800 रुपए जमा किए हैं, उन्हें दीक्षांत समारोह समाप्त होने के बाद 600 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। गौरतलब हो कि राजभवन की ओर से TMBU में होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर अब तक फाइनल तिथि घोषित नहीं की गई है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 15 से 20 जनवरी के बीच समारोह की संभावित तिथि बताई जा रही है।
हम लोग दीक्षांत समारोह के फॉर्म के लिए आए हैं। हम लोग काफी देर से कतार में 2 घंटे से करीबन खड़े हैं, पर देखिए अभी तक काउंटर नहीं खुला हुआ है और इतना देर से हम लोग खड़े हैं। बताइए कि अभी समय नहीं हुआ है क्या? काउंटर खुलने का समय नहीं हुआ है अभी तक? नौगछा के मारवाड़ी विवाह भवन में बीते रविवार पुलिस और जनता के बीच जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद जनता ने अधिकारियों को शहर की समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि नो एंट्री के कारण शहर में रिक्शा प्रवेश नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही कहा कि रिक्शा को शहर में वन वे के माध्यम से आने दिया जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो। इसके अलावा कई लोगों ने जमीन विवाद के मामले को उठाया और अधिकारियों से उसका समाधान करने की अपील की। वही जनसंवाद के दौरान शहर की सभी समस्याओं पर बात की गई। लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद SP सुशांत सिंह सरोज ने कहा कि पब्लिक समस्या का हल पब्लिक के सहयोग से हो, यह हमारी प्राथमिकता है और पब्लिक को कोई परेशानी ना हो यह ध्यान में रखकर ही समस्या का समाधान किया जाएगा। अमरपुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में आज प्रधानमंत्री डिजिटल ग्राम योजना के अंतर्गत CSE वाईफाई चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सलेमपुर पंचायत की मुखिया अर्चना देवी, सरपंच हीरा देवी, हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक कंडेश पांडे, JDU प्रखंड अध्यक्ष विमल सिंह समेत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं CSE संचालक गायत्री शर्मा ने कहा कि बहुत जल्द पंचायत के हर घर तक वाईफाई की सुविधा पहुंचाई जाएगी। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। DM ने गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। COVID-19 के गाइडलाइंस का पालन करने के दिए निर्देश। विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी के कार्यों से परेशान शिक्षक और कर्मी हुए एकजुट, इस्तीफा देने की मांग। मंत्री के दौरे को लेकर भागलपुर में तैयारी हुई तेज। सन ऑफ मल्ला के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। नौगछिया उच्च विद्यालय में पूर्ववर्ती छात्र ने किया शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। समाज में शिक्षकों के योगदान पर हुई चर्चा। और चंदन कुमार मेमोरियल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में नवीन क्रिकेट क्लब ने ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।